उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की देवलान मोरंग खदान है जो इन दिनों बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। ये इसलिए नहीं कि ये मानकों के अनुरूप खनन कर रही है, बल्कि इसलिए कि अगर सबसे ज्यादा अवैध खनन कहीं होता है तो देवलान की यह मोरंग खदान है। बेखौफ चलती मशीनें इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कैसे अवैध खनन होता है, लेकिन फिर भी जिले के प्रशासन को मशीनें और पोकलैंड नहीं दिखती और ना ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वालों को। क्या जिले का प्रशासन भी इस धंधे में बराबर का हिस्सेदार है? यदि हाँ है तो फिर ये ना नदियों के लिए ठीक है और ना ही वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिले का प्रशासन कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है? शायद यही कारण है कि आखिरकार इन मछुआरों को ही अब सुस्त पड़ चुके सिस्टम को जगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जिले का प्रशासन सुन्न पड़ चुका है। हम इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि यहाँ मोरम खनन जो चल रही है अवैध रूप से चल रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना खेती है ना बाड़ी है, हम मछली का कार्य करते हैं और ये लोग दिन भर गाड़ी मोटर अपनी चलाते हैं, अपनी मशीनें चलाते हैं, तो हमारा जो शिकार जहाँ पे हम अपना जाल लगाते हैं वहाँ से वो भाग जाते हैं, तो बताओ हम इनको खाएं या इनके मोटर को खाएं, इनकी मशीन को खाएं, क्या करें? अधिकारी लोगों से शिकायत किया, वो पैसा की बदौलत वो हमारी कोई सुनते नहीं, पैसे की बदौलत वो हमारी कोई सुनते नहीं, ना हमारी कोई जी सर, यहाँ से कोलते कोलते बीच धारा तक ले जाते हैं, भारी गड्ढा कर देते हैं, वहाँ हमारा जाल नहीं पहुँच रहा, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। और बताइए वहाँ नोट की बात चोट हो रही है। नाम क्या आपको याद होगा? अभी दो दिन पहले ही जब डीएम संजीव कुमार ने कुर्रा मोरंग खदान खंड 4 में बड़ी कार्रवाई की, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब जिले में कुछ बदलेगा और एक नया बदलाव आने वाला है, लेकिन कुछ बदला तो शायद जवाब होगा नहीं। यही कारण है कि अवैध खनन वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, ना तो जिले के डीएम कडर है और ना ही यूपी के सत्ताधारी पार्टी का। तो क्या ऐसे ही अवैध खनन चलता रहेगा? अच्छी बातें तो केवल भाषणों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत तो कुछ और ही होती है। हालांकि इस बारे में जब जिले के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात करते रहे। और आप जानते हैं कि जांच कैसे होती है और कब तक होती है, यही वजह है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदीप केसरवानी। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करना मत भूलिएगा।